हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मूंग दाल कचौरी की रेसिपी, जो कि बहुत ही सिंपल होने वाली है और आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है इसका मेन इंग्रेडिएंट मूंग दाल, एक कटोरी लिया है मैंने, और उसको मैंने अच्छे से दो पानी में वॉश कर लिया है। तो आपको अच्छे से इसको वॉश करना है रगड़ रगड़ के, ताकि जो भी गंदगी दाल में लगी हो वो निकल जाए। उसके बाद साफ़ पानी में आपको 2 घंटे के लिए उसे सोख करके रख देना है। तो यहाँ दाल अच्छे से फूल चुकी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब हमें करना है दाल को ग्राइंड, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, दरदरा ही पीसना है। फिर उसके बाद हमें लेनी है कढ़ाई, कढ़ाई में डालना है तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाए उसमें डालना है 1 चम्मच जीरा और हींग। हींग डालने के बाद हम डालेंगे अपने बाकी मसाले, जैसे कि 1 चम्मच सौंफ, 1.5 चम्मच के लगभग आपको लेना है साबुत धनिया और अदरक। अदरक मैंने लिया है छोटा टुकड़ा, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। जब सारे मसाले और अदरक भुन जाए तो उसके बाद हमें डालना है चिली फ्लेक्स। यहाँ पे मैंने साबुत चिलीज को ही कूट के चिली फ्लेक्स बनाया। अगर आपके पास ऑलरेडी चिली फ्लेक्स है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें डालना है 2 भर के बड़े चम्मच बेसन और उसको भून लेना है। जब बेसन का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब हमें ऐड करना है धनिया। 2 चम्मच धनिया डाली है मैंने यहाँ पर और गरम मसाला। तो यहाँ पर बेसन अच्छे से भून चुका है। अब हम ऐड करेंगे अपना दरदरा पिसा हुआ मूंग दाल और उसको लगातार चलाते रहेंगे। हमें यहाँ पर लगातार चलाते रहना है ताकि जो दाल है वो कढ़ाई पे चिपके ना। नेक्स्ट ऐड करना है नमक स्वाद अनुसार और करीबन 2 चम्मच आमचूर पाउडर। दोनों को कर लेना है अच्छे से मिक्स और 15 मिनट तक दाल को पकाना है। तो जैसे जैसे दाल पकती जाएगी वैसे वैसे उसका कलर चेंज होता जाएगा और वो थोड़ी थोड़ी ड्राई होती जाएगी। तो 10 मिनट बाद उसका ये इस तरीके का टेक्सचर है और 15 मिनट के बाद वो एकदम ड्राई हो चुकी है और दाल एकदम अलग अलग होने लग गया है। और यहीं पे फ्लेम कर लेना है ऑफ़। नेक्स्ट मैं प्रिपेयर करूँगी कचौरी का डो। तो उसके लिए हमें चाहिए मैदा, यहाँ पर करीबन 250 ग्राम मैंने मैदा लिया है। उसमें डाला है 2 चम्मच के करीब नमक और अजवाइन। अजवाइन को आपको डालने से पहले हाथों में अच्छे से मसल लेना है और फिर डालना है। आपकी कचौरी एकदम खस्ता बने उसके लिए हमें ऐड करना है मोयन। तो मोयन के लिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल करीबन 3 बड़े चम्मच। अब इन सबको कर लेना है मिक्स। तो यहाँ पर ऑयल के गांठे ना बने मैदे में, तो इसलिए मैं पाम के बीच में रख के उनको अच्छे से मसल वसल के मिक्स कर रही हूँ। और जैसे ही हमारा ऑयल प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा तो ये जो मैदा का जब हम ऐसे बाइंड करने की कोशिश करेंगे तो वो प्रॉपरली बाइंड हो जाएगा। अब डालना है हमें पानी और डो तैयार कर लेना है। कचौरी का डो आपको ना ज़्यादा टाइट रखना है और ना ज़्यादा लूज़ रखना है, बस वो थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। तो यहाँ हमारा सॉफ्ट डो बन के रेडी हो चुका है। उसको करीबन 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ आटा सेट हो चुका है, अब हम भरेंगे अपनी दाल। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ा थोड़ा आटा, जिसको मैं अपने हाथ पे गोल गोल घुमा दे रही हूँ ताकि कोई क्रैक्स ना रहे। तो अच्छे से हमें मसल देना है। उसके बाद जैसे आप स्टफ पराठा बनाते हैं ना, उसी तरीके से आपको कटोरी टाइप का बनाना है। और जो दाल है उसको करना है बाइंड, ताकि वो इधर उधर बिखर के जो है वो जुड़ने में बाद में आटे में कोई दिक्कत ना करे। तो इस तरीके से हमें उसका मुँह जो है वो जोड़ देना है और फिर बेल लेना। ध्यान रहे आपको ज़्यादा पतला नहीं बेलना। सारी कचौरियाँ बेलने के बाद आप करेंगे उसको तलने की तैयारी। तो यहाँ पर मैं तलूँगी रिफाइंड ऑयल में, और ऑयल को आपको ज़्यादा गर्म नहीं रखना है। जब हल्के हल्के बबल्स उड़ने लगे तभी आपको डाल देना है अपनी कचौरियाँ और धीमी आँच पर ही इसको पकाना है। तो यहाँ पर हमारी कचौरियाँ फ्राई हो चुकी हैं, उन पर अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ गया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और बाकी जितनी भी हमारी कचौरियाँ उनको भी पका लेंगे। तो यहाँ पर हमारी कचौरियाँ बनके एकदम रेडी हो चुकी है और एकदम क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनी है। अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो प्लेटिंग के लिए मैं लूँगी 2 कचौरियाँ। तो इसका असली मज़ा है आलू की सब्ज़ी, जो तीखी वाली होती है ना, उसके साथ खाने का। तो वो मैंने बनाई थी, तो उसी के साथ मैं प्लेटिंग करूँगी।
यहाँ पर हो गया हमारा नाश्ता तैयार। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।